पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश को सोमवार को अवैध करार दिया और कहा कि उनकी सरकार इस फैसले को चुनौती देगी। बनर्जी ने उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कुछ न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियों को रद्द करने की अदालत का फैसला अवैध है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सरकारी एवं सहकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से की गई सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया। बाद में करड़ दिघी में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि सभी फैसलों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, हम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। यह आदेश चुनाव के बीच भाजपा के निर्देशों के अनुसार पारित किया गया है। भाजपा पर न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा कि उसने अदालतों को अपने विस्तारित पार्टी कार्यालयों में बदल दिया है। यदि भाजपा कोई जनहित याचिका दायर करती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है और लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जब अन्य लोग याचिका दायर करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बनर्जी ने कहा कि वे लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर चिंतित नहीं हूं। अगर वे मुझे दंडित करना चाहते हैं, मानहानि का मामला दर्ज करना चाहते हैं या मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। बनर्जी ने कहा कि शिक्षकों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं हर सुख दुख में आपके साथ हूं। हमारी सरकार के पास 10 लाख नौकरियां और तैयार हैं।